Hey guys, welcome back to Marvel FKB Phantom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। भाई व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 4 रिलीज हो गया है और आज आप जानेंगे एपिसोड में छुपी डिटेल्स जिन्हें आपने मिस कर दिया और क्यों टोनी का मेन टाइमलाइन में मरना जरूरी था। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। एपिसोड 4 का नाम व्हाट इफ टोनी स्टार्क क्रैश्ड इनटू द ग्रैंड मास्टर है और बेसिकली ये सीजन 1 के गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स वाली गमोरा की ओरिजिन स्टोरी है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया गया था। ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें टोनी स्टार्क 2012 के बैटल के टाइम में वॉर्म होल में से स्पेस में जाकर चिटौरी की आर्मी को खत्म करने के बाद ग्रैंड मास्टर के सकार में पहुंच गया। क्योंकि इस पॉसिबिलिटी में टोनी वापस अर्थ पर नहीं जा पाया और फिर टोनी के साथ सब वैसा ही होता है जो सब थॉर रैग्नारॉक मूवी में थॉर के साथ हुआ था, लेकिन यहाँ ग्रैंड मास्टर रेसलिंग की जगह रेसिंग पसंद करता है। यहाँ गमोरा भी टोनी के पीछे पीछे आ जाती है क्योंकि टोनी ने चिटौरी को खत्म कर दिया है। फिर आगे जाकर ग्रैंड मास्टर और टोनी में एक रेस होती है जिस रेस को अगर टोनी जीतेगा तो सकार उसका हो जाएगा, लेकिन एंडिंग में गमोरा सुधर जाती है और वो टोनी की रेस जीतने में हेल्प करती है। और बाद में वैल्करी ग्रैंड मास्टर की साइड की किस ग्रैंड मास्टर के पास फेंक देती है जिसकी वजह से ग्रैंड मास्टर पिघल जाता है और फिर गमोरा और टोनी थैनोस के पास जाते हैं और गमोरा थैनोस को उसी स्टिक से मार देती है। अब व्हाट इफ सीजन 1 और व्हाट इफ सीजन 2 की शुरुआत से ही थैनोस बार बार मरता हुआ दिखाया जा रहा है और उसी तरह टोनी भी बिना थैनोस के बार बार अलग अलग रीजन से पहले ही मर रहा था। लेकिन इन पॉसिबिलिटीज में अगर थैनोस मर रहा है मतलब टोनी आगे जाकर नहीं मरता, जिसका मतलब एमसीयू जो कैंग मतलब ही हू रिमेन्स की सैक्रेड टाइमलाइन है उसने जानबूझकर कैंग ने टोनी को मारा। क्योंकि ये पूरी की पूरी स्टोरी एक लूप है और ही हू रिमेन्स का सिर्फ एक ही मोटिव था कि किसी तरह दूसरे कैंग वेरिएंट्स ना पैदा हो जाएं, इसलिए ही हू रिमेन्स ने टेम्पोरल लूम यूज कर एमसीयू की बिना एक्समैन और बिना फैंटास्टिक फोर की कस्टमाइज्ड टाइमलाइन बनाई। आसान भाषा में एक मैट्रिक्स जैसी सिमुलेशन बनाई और उस टाइमलाइन की स्टोरी शुरुआत से ही डिफरेंट बनाई, जिसका मेन कैरेक्टर उसने टोनी स्टार्क को चुना और टोनी को तब तक जिंदा रखा जब तक थैनोस ने स्नैप नहीं किया, ताकि टोनी स्टार्क जो इस यूनिवर्स का जीनियस है वो टाइम ट्रेवलिंग जीपीएस इन्वेंट करे और सभी एवेंजर्स 2012 में इन्फिनिटी स्टोन्स लेने जाए, लेकिन हल्क पागल हो जाए और उस टाइमलाइन में लोकी टेसरैक्ट लेकर भाग जाए और टीवी वाले उसे रेस्ट कर ले ताकि लोकी सीजन 2 वाले ही हू रिमेन्स वाला लोकी बन जाए जो ऑर्गेनिकली मल्टीवर्स को बिना मशीन्स के कंट्रोल करे। लेकिन दूसरी तरफ ही हू रिमेन्स एमसीयू के टोनी स्टार्क को मारना भी चाहता था, इसलिए एंड गेम के बैटल में डॉक्टर स्ट्रेंज को 616 की हर ब्रांच रियलिटी में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी दिखी जिसमें एवेंजर्स थैनोस को डिफीट कर चुके थे, इसलिए टोनी का सैक्रिफाइस जानबूझकर करवाया गया। क्योंकि टाइम मशीन बननी तो इम्पोर्टेंट थी लोकी को TVA बेचने के लिए, लेकिन टोनी को मारना भी उतना ही इम्पोर्टेंट था ताकि टोनी की वजह से एक कैंग वेरिएंट वो ना बन पाए जो नॉर्मली वो बन जाता है। और वो कैंग वेरिएंट है हार्ली कीनर मतलब आयरन लैड, जिस अनाथ जीनियस बच्चे को हमने टोनी स्टार्क की हेल्प करते हुए आयरन मैन 3 में देखा था। कॉमिक्स में हार्ली किनर आयरन लैड था, लेकिन कैंग के नए ओरिजिन में छोटा नथानियल रिचर्ड्स जो 31st सेंचुरी में रहता है उसे अचानक उसका फ्यूचर वर्जन मिलता है जो कैंग द कॉन्करर था। कैंग उसे वक्त से पहले ही ट्रेन करना चाहता था ताकि कैंग फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग विलन बन पाए, लेकिन छोटा नथानियल कैंग से डरता था और वो बचकर 616 के यूनिवर्स में जाकर छुप जाता है जहाँ वो टोनी स्टार्क की चीजों से सूट बनाता है और आयरन लैड बन जाता है। अब मूवी के हार्ली किनर का कोई भी नहीं था और वो एक अबैंडन्ड घर में रह रहा था और वो बार बार टोनी से झूठ बोल रहा था कि मेरे मॉम डैड बाहर क्रिसमस की शॉपिंग करने गए हैं, लेकिन हार्ली किनर अनाथ है ये एंडिंग में पता चलता है और हम अभी भी नहीं जानते कि इस बच्चे ने अपना नाम सही बताया था या इसका नाम नथानियल ही है। तो अगर टोनी स्टार्क ना मरता तो टोनी आगे जाकर अब बड़े हो चुके हार्ली किनर को स्टार्क इंडस्ट्रीज में रखता और शायद उसे फंड भी करता, जिसकी वजह से हार्ली किनर एक पावरफुल आदमी बन जाता। या फिर हार्ली किनर और टोनी स्टार्क दोनों एक साथ मिलकर मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल पर और ज्यादा रिसर्च करते और एंडिंग में हार्ली किनर उस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करता और बनता कैंग द कॉन्करर, जैसे कि नथानियल कॉमिक्स में बनता है। लेकिन क्योंकि ही हू रिमेन्स को उस पर तरस आ गया होगा इसलिए उसने हार्ली किनर को टोनी की कहानी में रहने भी दिया, लेकिन टोनी को उसकी कहानी से निकाल दिया ताकि एक और कैंग ना बन पाए। हार्ली किनर के बारे में फुल डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे और इसलिए ही थैनोस हर 616 की ब्रांच में डिफीट होता है और मरता भी है, लेकिन सैक्रेड टाइमलाइन में कैंग ने जानबूझकर थैनोस को पावरफुल बनाया। वैसे व्हाट इफ की स्टोरीज भी 616 की ही ब्रांचेस में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि लोकी सीजन 2 में दिखाया गया है कि 616 की ही कई सारी ब्रांचेस हैं और अब टोनी इस वजह से बच रहा है क्योंकि ये वाला मल्टीवर्स अब लोकी के हाथ में है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।